और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दे, प्रयागराज लाए जा रहे अतीक अहमद ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बात की है। दरअसल न्यूज 18 इंडिया के सवालों पर अतीक अहमद का जवाब, अतीक ने कहा जो सजा हुई है वो गलत है। न्यूज 18 इंडिया ने पूछा कि यूपी जाने पर डर लग रहा है, तो अतीक ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, अतीक अहमद ने इतना जरूर कहा कि जो सजा हुई है वो गलत है, अतीक ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे सवाल पर अतीक ने भी कहा कि सरकार से कहना चाहता हूं कि महिलाओं बच्चों को परेशान ना करें। अतीक अहमद ने कहा है कि महिलाओं बच्चों को परेशान ना करें। अभी कुछ देर पहले करीब 8 बजे अतीक अहमद का काफिला रवाना हुआ। करीब 3 घंटे तक अतीक का काफिला राजस्थान के बिछीवाड़ा में रोका गया था। अतीक अहमद को आप देख सकते हैं, लगभग 3 घंटे का वक्त लगा जब ये गाड़ी यहाँ पर थी। अतीक कुछ कहेंगे आप? आप सबका शुक्रिया। आपको डर लग रहा है क्या? आपने बोला अतीक ने कहा न्यूज 18 ने ऐसा पूछा तो कहा कि आप सबका शुक्रिया, मीडिया लगातार उनको फॉलो कर रही है। और आप यहाँ देखिए अतीक अहमद को अब गाड़ी में बिठाया जा रहा है और लगातार बॉडी वॉर्न कैमरे भी लगातार जारी हैं और इनको अब सीसीटीवी कैमरे भी ऊपर चालू रखेंगे। और अब क्योंकि हर 400 किलोमीटर पर इनको फिटनेस सर्टिफिकेट भी, ये जो चारों गाड़ियां हैं वो चारों गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी यहां पर तैयार करके दिए गए हैं। फिर वही डगर, 22-24 घंटे का सफर है। अधिक कुछ कहेंगे आप? आप सबका शुक्रिया। रास्ता बहुत लंबा है और डॉन को मौत का डर है। पंद्रह दिन बाद अतीक को फिर गाड़ी पलटने का डर। पुलिस की सुरक्षा में बैठे माफिया अतीक का ये बयान बहुत कुछ कहता है। अतीक की जुबान से निकले एक एक शब्द में खौफ दिख रहा है। उसकी आंखों में योगी की पुलिस का वो डर साफ झलक रहा है। अहमदाबाद की साबरमती जेल के बाहर यूपी पुलिस की टीम ने अहमद को इसी नीले रंग के प्रिजन वैन में बिठाया और यूपी के लिए रवाना हो गई। जहां अतीक अहमद ने गुनाह किए थे वहीं अब उसका हिसाब होना है। 15 दिन के अंदर दूसरी बार प्रयागराज की डगर पर निकल पड़ा है माफिया से बिल्ली बना अतीक अहमद, जिसके नाम से यूपी के बड़े बड़े नेता कांपते थे। आज वो जेल वैन में बैठा थर थर कांप रहा है। वैन में अचानक ब्रेक लगते ही उसका बीपी बढ़ जाता है और जब गाड़ी रुकती है तो अतीक का खून सूख जाता है। पिछली बार तो अतीक की गाड़ी सही सलामत प्रयागराज से साबरमती पहुंच गई थी, लेकिन इस बार अतीक को अंदर ही अंदर डर सता रहा है कि रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। यूपी पुलिस के 32 जवान और अफसर अतीक को लेकर जा रहे हैं। अतीक को लेकर आ रही पुलिस टीम बॉडी कैम से लैस है, एक एक हरकत की रिकॉर्डिंग की जा रही है। जिस प्रिजन वैन में अतीक है वो हाईटेक है। वैन में फिंगरप्रिंट मशीन है, फर्स्ट एड बॉक्स है, चारों तरफ से लोहे का जाल है। बायोमेट्रिक लॉक वाली इसी गाड़ी से अतीक करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय कर अपने पापों का हिसाब चुकाएगा। अतीक को राजस्थान और मध्य प्रदेश के रास्ते ले जाया जाएगा। पुलिस थाना है राजस्थान का बिछीवाड़ा, वहाँ पर बार रोका गया है और जो 32 पुलिस कर्मी हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं और उनको सुरक्षा घेरा जिस तरीके से दिया गया वहाँ पर साफ तौर पे देखा जा रहा है। और अभी उनको वॉशरूम के लिए वहाँ से अंदर बिछीवाड़ा का जो पुलिस थाना है वहाँ पर उनको अंदर ले जाया जा रहा है। और जो सुरक्षा घेरे में अगर देखें तो जो जवान हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं, AK-47 हैं, बॉडी वॉर्न कैमरा, आप तमाम जो अधिकारी हैं उनके यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं जो बॉडी वॉर्न कैमरे लगे हैं। उदयपुर शिवपुरी होते हुए यूपी पुलिस का काफिला झांसी से यूपी में दाखिल होगा। अहमदाबाद से निकलने से पहले अतीक अहमद का मेडिकल टेस्ट कराया गया जिसमें वो पूरी तरह से फिट पाया गया था।
हालांकि अतीक अहमद ने कोर्ट से कहा था कि उसे जान का डर है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की जाए, लेकिन उसकी ये हसरत पूरी नहीं हुई। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगी, क्योंकि इसलिए कि जो कार्रवाई वो करवा रहे हैं या कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे हाथ में तो है नहीं और ये शासन प्रशासन द्वारा हो रहा है। और मैं चाहती हूँ बस कि जो ये ला करके इन्हें जो पूछताछ के लिए कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ यही मांग करूंगी कि जो इन्होंने मेरे आदमी और मेरे दो गनों की हत्या करवाई है, इस तरह से इनकी जो पूछताछ होगी, पर पूछताछ जो करना कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश राज्य में जो संगठित माफिया गिरोह थे, उत्तर प्रदेश राज्य में जो अपराधी समाजवादी पार्टी की सरकार में पुष्पित पल्लवित हो रहे थे, आज सब में कानून का भय है। हम सभी अदालतों में जो अपराधियों के खिलाफ पैरवी कर रहे हैं, हमारा अभियोजन विभाग गंभीरता के साथ एक एक मुकदमे की पैरवी कर रहा है। उमेश पाल की हत्या पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक के कहने पर ही 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने जेल से अपने बेटे असद को हत्याकांड से पहले फोन किया था। उस दौरान असद बिरयानी खा रहा था, जिस पर अतीक का गुस्सा भड़क गया और उसने अपने बेटे को उमेश पाल को ठिकाने लगाने का आदेश दे दिया। अतीक की अपने बेटे असद से फोन पर बात हुई। अतीक ने पूछा, असद क्या कर रहे हो? इस पर असद ने जवाब दिया कि अब्बू बिरयानी खा रहा हूँ। इसके बाद तो अतीक अहमद गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, तुम्हारा बाप जेल में है और जलालत की जिंदगी जी रहा है और तू बिरयानी खा रहा है। उमेश पाल तेरे बाप को नीचा दिखाने की बात कर रहा है और अपशब्द कह रहा है। अतीक से फोन पर बात करने के बाद असद ने उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया। प्रयागराज में हुए हत्याकांड के बाद योगी पुलिस के हाथ अतीक के गुर्गों तक पहुंचने लगे हैं। कोई जान बचाकर भाग रहा है तो कोई एनकाउंटर में मारा जा रहा है। एक तरफ अतीक मौत के डर से कांप रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके कुनबे पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस को अतीक के पुश्तैनी घर से कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिसके बाद उसके फरार बेटे असद और बीवी शाइस्ता का बचना मुश्किल है। पुलिस को अतीक के घर से एक लाल डायरी मिली है जिसमें कई राज छिपे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो ये डायरी अतीक अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद की है। डायरी में शूटर्स को दिए गए पैसे और हथियारों का पूरा ब्यौरा है। लाल डायरी में असद और शाइस्ता के कारनामों का पूरा काला चिट्ठा है।